स्वागत है दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ में। दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी दुख, गरीबी, कष्ट, लड़ाई, झगड़े इत्यादि की समस्या रहती है? तो चिंता मत करिए, हम इन समस्याओं से बचने के लिए रोजाना नए नए उपाय की वीडियो लाते रहते हैं। तो बिना देरी किए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 फरवरी माघ मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी यानी आज गुरुवार की रात हल्दी का एक गुप्त उपाय करने से हो जाओगे मालामाल। दोस्तों, गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति का दिन है और इस दिन देवगुरु को मनाने के लिए तमाम तरह के उपाय किए जाते हैं। आज हम आपको हल्दी के उपाय के बारे में बताने वाले हैं जो आपके जीवन की हर परेशानी से आपको बाहर निकालेंगे, क्योंकि हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति से है। वैसे हल्दी के ढेर सारे उपाय होते हैं, परंतु कुछ ऐसे हैं जिनको यदि आप गुरुवार के करते हैं तो आपका गुरु भी बेहतर होता है और आपके जीवन में धन, मान, सम्मान और संतान का सुख हासिल होता है। हल्दी खास प्रकार की औषधि है जिसमें दैवीय गुण मौजूद होते हैं। विवाह में वर वधु को हल्दी चढ़ाने के पीछे भी यही महत्वपूर्ण है कि उन्हें बुरी नज़र से बचाया जाए, साथ ही सेहत और सुंदरता के लाभ भी उन्हें मिले। पूजा के समय में या गर्दन पर हल्दी का छोटा सा लगाने पर बृहस्पति मजबूत होते हैं और वाणी में मजबूती आती है। हल्दी का सेवन करना भी शुभ समझा जाता है, इससे कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का अंत हो जाता है। गुरुग्रह में अनुकूलता आती है। घर की बाहरी दीवार पर यदि हल्दी की रेखा बना दी जाए तो घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। स्नान करते वक्त पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाया जाए तो यह शारीरिक और मानसिक शुद्धता देता है। नौकरी सफलता के लिए भी यह उपाय कारगर समझा जाता है। हल्दी के उपाय से जीवन में संपन्नता आती है और दरिद्रता को दूर करती है, इसीलिए इसे हवन में भी उपाय किया जाता है। सूर्य भगवान हल्दी मिले जल से अर्घ्य देने से मन चाहे वर की हासिल ही होती है। बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में बहुत सारे सुख के कारक हैं, जैसे कि वैवाहिक सुख पतिदेव की कृपा से मिलता है, संतान का सुख या फिर संतान से सुख ये भी पतिदेव की कृपा से मिलता है। करियर में यदि ऊंचाई चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, व्यापार में आपको बुलंदी चाहिए, बहुत अधिक धन, मतलब धन संचय, अपार धन संपदा, वो भी बृहस्पति की कृपा से ही हासिल होता है। और किसी भी तरह से आपके जीवन में यदि आपका भाग्य नहीं दे रहा है, आपकी शिक्षा नहीं हो रही है या उच्च शिक्षा में बाधा आ रही है या हासिल में बाधा आ रही है, तो भी आपको बृहस्पति देव को शुभ करना चाहिए और हल्दी का करने से, हल्दी के छोटे प्रयागों से हम बृहस्पति को शुभ कर सकते हैं और बृहस्पति शुभ हो जाते हैं तो हमारे जीवन हर सुख अपने आप ही हासिल होता है। जैसे किसी भी तरह से यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा है आपके घर में या फिर किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसा आपको लगता है किसी ने कुछ कर करा दिया है, तंत्र मंत्र का प्रभाव है, ऊपर तो भी आपको का छोटा सा उपाय इन सभी समस्याओं से आपको मुक्ति दिला सकता है। एक चुटकी हल्दी से कैसे आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, संतान, फिर वैवाहिक सुख हो या फिर आपके विवाह में देरी हो रही है या आपके करियर में कोई परेशानी है, धन से संबंधित समस्याएं हैं, हर समस्या का समाधान केवल एक छुट्टी हल्दी। तो आज की वीडियो आप पूरी देखिए। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर दोस्तों को कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा। अब से बात, यदि आप गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि यदि आपको कैंसर जैसी भी बीमारी है या फिर पेट से संबंधित कोई समस्या है, तो ऐसे में चाहिए कि आप इसी हल्दी का दान करें। पीसी हल्दी का दान करने से आपकी जो ये बीमारी है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपके माथे पर भी एक हल्दी का टीका लगा होना चाहिए। हर रोज माथे पर का एक टीका लगाएं, इससे भी आपके पास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होगी। ऊर्जा के आसपास रहेगी तो आप स्वाद ही धीरे धीरे बीमारी से मुक्ति पा लेंगे। दोस्तों, यदि किसी भी तरह से आपके बृहस्पति ग्रह कमजोर है, बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं तो सभी तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं, कार्य बिगड़ने लग जाते हैं, व्यापार में वृद्धि रुक जाती है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आपको हल्दी की साबुत गांठ लेनी है और वह एक पीले कपड़े में पीले धाग से बांधकर चाहे तो आप अपने बाजू में पहन सकते हैं, अपने गले में। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके जीवन से
जितनी भी बृहस्पति से रिलेटेड परेशानियां हैं और दूर होंगी। बृहस्पति मजबूत होंगे क्योंकि पुखराज की तरह ही काम करते हैं। हल्दी का ये टोटका हल्दी और पुखराज को बराबर ही समझा गया है। यदि आप हल्दी भी प्रति बृहस्पतिवार इस तरह से गांठ बांधकर पहन लेते हैं अपने गले में, तो ये पुखराज की तरह ही काम करेगा और ये बहुत ही जल्दी आपके बृहस्पति को मजबूत करेगा। सभी कार्य लग जाएंगे, व्यापार हो या हो, सभी जगह आपको प्रमोशन भी मिलेगा और व्यापार में वृद्धि भी होगी। बात करें कि आप किसी भी तरह से शारीरिक व मानसिक रूप से नकारात्मक ऊर्जा से घिरे हुए हैं। कई बार दिमाग में, मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके आसपास नकारात्मक एनर्जी का वास है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप जब आप स्नान करें तो अपने स्नान के जल में हल्दी की छुटकी पिसी हुई हल्दी की एक मिलाकर आप उससे स्नान करें। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो उससे दूर होगी। यदि करियर में कोई परेशानी है तो इस एक उपाय जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपको कि प्रतिदिन आप हल्दी का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं, इससे उसके सभी बिगड़े कार्य बनने लग जाते हैं। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा कैसे मिले? कई बार क्या होता है, हमें लगे कि हमारे घर में ही नकारात्मक ऊर्जा है, और ऐसे आपको चाहिए कि जहां आपका घर है अपने घर के गेट पर या अपने घर की जो बाउंड्री वॉल होती है वहां पर यदि आप हल्दी की एक रेखा बना दें, थोड़ी थोड़ी सी हल्दी वॉल पर डाल दें या फिर अपनी मेन गेट पर हल्दी की एक रेखा सी बना दें, तो ऐसा प्रतिदिन करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ही नहीं होगा। ऐसा जरूर करें। यदि आपको लगता है किसी भी तरह से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, तो अपने वॉल पर या मेन गेट पर थोड़ी थोड़ी सी प्रतिदिन छिड़क दें, और आप ये सुबह सुबह कर सकते हैं। रोज सुबह आप हल्दी छिड़क दें और फिर दिन भर में वो खराब हो जाती है, उड़ जाती है। परंतु नियमित रूप से आप ये करें, आपको खुद ही इसका चमत्कारी प्रभाव दिखने लगेगा। यदि आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है, विवाह में देरी रही है, या आप चाहते हैं मनपसंद जीवन, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप सुबह सूर्यदेव को जब जल अर्पित करते हैं तो आप थोड़ी सी उस जल में मिला दें एक भर हल्दी। आप यदि उस जल में मिला देते हैं और उसके पश्चात भगवान सूर्यदेव को जल देते हैं, तो इससे आपके विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं वो जल्द ही दूर होंगी। और जब आप अर्घ्य देते हैं तो उसके पश्चात लोटे में या उस पात्र में थोड़ी सी जो हल्दी लगी होती है उसे निकाल कर आप अपने माथे पर कर लें। ऐसा यदि आप निरंतर करते हैं तो कुछ ही समय आपकी जो शादी से रिलेटेड परेशानियां हैं वह दूर होंगी। मनपसंद साथी की कामना है तो वह भी पूर्ण होगी। इसके अलावा आपको अपने स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे भी आपके विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं जल्द ही दूर हो जाएंगी। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से बास करें, तो ऐसे में आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन सुबह के पानी छिड़काव पूरे घर में करें। इसके लिए आपको थोड़ा सा शुद्ध पानी चाहिए, और यदि हो थोड़ा सा गंगा जल ले, उसके पश्चात शुद्ध पानी और उसमें हल्दी डाल दे, एक चुटकी भर हल्दी ले और पूरे घर में चारों तरफ हर कोने में ऐसा इसका छिड़काव कर ले। ऐसा यदि आप हर गुरुवार को करते हैं या हर रोज करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ प्रभाव मिलेगा और बहुत ही जल्द माता लक्ष्मी की कृपा आपको हासिल हो जाएगी। माता की कृपा पाने के लिए आपको चाहिए एक अचूक उपाय। आपको बृहस्पतिवार के दिन आपको एक प्लेन कागज लेना है। कागज पर लाइंस नहीं बनी होनी चाहिए। प्लेन कागज पर आपको हल्दी से आपको लिखना है। कैसे लिखना है? आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, एक चुटकी भर हल्दी लें, थोड़ा सा उसमें गुलाब जल डाल सकते हैं, गुलाब जल ना हो तो थोड़ा सा गंगा जल, और वो भी ना हो तो आप शुद्ध जल ले सकते हैं। ऐसा करके आप उस हल्दी से अपनी उंगली से श्रेणी लिखें, और उस पर पूजा प्रातःकाल जब आप पूजा करते हैं तो पंच उपचार से उस कागज की पूजा करें। उसके पश्चात उसे लेकर आप उसे अपने धन रखने वाले स्थान पर रख लें या फिर पर्स में रख लें। यदि आप हमेशा ऐसा करते रहें, जैसे कि आप एक दो बृहस्पतिवार के पश्चात इसे बदल दें या फिर इसी को हर बृहस्पतिवार के दिन धूप दीप दिखा दें, प्रचार पूजन कर दें और फिर वापस मोड़कर आप अपने पर्स में लें,
ऐसा यदि आप हमेशा करते तो जल्द ही आपको ही चमत्कारी लाभ मिलेगा। आप कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। इस एक छोटे से उपाय से महालक्ष्मी की कृपा श्री हरि विष्णु के सहित हो जाती है। प्रतिवार का दिन भगवान विष्णु देव का दिन होता है और माता लक्ष्मी का बीज मंत्र जो आपने लिखा है चमत्कारी रूप से यह काम करते हैं, बात करते हैं। यदि आप संतान हासिल की कामना करते हैं तो आपको किस तरह से हल्दी का उपाय करना, यदि आप संतान की कामना करते हैं या फिर आप पुत्र हासिल ही करते हैं तो आपको चाहिए थोड़ी सी हल्दी एक आटे की भरकर किसी गाय को खिलाएं। जैसे आप आटे की दो लाइन बना लें, नमक नहीं होना चाहिए उसमें। इस बात का रखें थोड़ी सी चने की दाल, यदि आपने भिगो के रखी है रात की तो या दो घंटे पहले भिगो दें। और उस लोई के बीच में रखें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुड़, और इस लोई को ले जाकर हर बृहस्पति दिन आप किसी गाय को खिलाते हैं तो कुछ ही समय में आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे भी परेशानियां आपके संतान हासिल में आ रही है तो वह दूर हो जाए, या फिर यदि आपके संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही तो आपको चाहिए कि आप संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर यदि आप हल्दी का टीका लगाते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल हासिल होगा। जल्द बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, एकाग्र होने लगेगा, गुरु अच्छा होगा तो क्षमता में मन लगेगा, शिक्षा में जो भी बाधा आ रही है वो दूर होगी। इस तरह से इन उपायों को आप करें, निश्चित ही आपके जीवन में सफलता आती है। हल्दी का चमत्कारी उपाय होता है यहाँ और बहुत ही चमत्कारी रूप से काम करता है हल्दी, जो कि बृहस्पति शुभ करती है। और बृहस्पति शुभ हो जाए तो जीवन में किसी भी चीज़ का अभाव नहीं रहता। तो आप इन उपाय को ज़रूर करें, ये छोटे बहुत ही सरल और बहुत अचूक उपाय है। हल्दी के में आप क्या करेंगे, आप उसमें दो इलायची डाल दें, यकीनन आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। याद रखिए, जीवन में आप किसी भी तरह का धन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, हल्दी के ये चीजें जरूर डालना है। क्या क्या डालना है, आप चाहे तो लौंग सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं, या फिर आप लाल मिर्ची डाल सकते हैं। हल्दी के डिब्बे में माता लक्ष्मी दोनों से कृपा बरसाएंगी, बल्कि चार दिशाओं से धन की वर्षा होगी और पैसा आएगा। गुरुवार के दिन थोड़े से चावलों को हल्दी से रंग लें और इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से अटका हुआ धन वापस आ जाता है। यदि आपका पैसा भी कहीं या किसी के पास का हुआ है तो इस उपाय को अपना सकते हैं। दोस्तों, कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें। इस दिन पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसेगी। इस दिन चुपचाप किसी को बिना बताए स्वास्थ्य से जुड़ा ये अचूक उपाय करते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का पूर्णतः हल होगा। इस दिन स्वास्थ्य से जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल करेगा, चाहे वह धन बंधित हो या सेहत से या संतान की हासिल से। इसलिए दोस्तों, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूले। नया साल का दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु अपनी हर महीने की योग्य निद्रा से जागते हैं और सभी कार्य आरंभ हो जाते हैं। साल के पहले दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी बेहद उत्तम माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्वास्तिक प्राचीन काल भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी चिन्ह समझा जाता रहा है, इसलिए भी कार्य को करने से पहले स्वास्तिक अत्यंत प्राचीन काल भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी चिन्ह समझा जाता रहा है, इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक का उपयोग किया जाता है। स्वास्थ्य के एक प्राचीन चिन्ह है जो सौभाग्य, समृद्धि और शुभ कामनाओं को प्रतिष्ठित करने का कार्य करता है। इस चिन्ह को धार्मिक रूप से बहुत महत्व दिया जाता है और यह हिंदुओं के विभिन्न पूजा और धार्मिक में देखा जाता है। विभिन्न परंपरा स्वास्तिक का उपाय करने के आदिकाल से ही प्रमाण मिलता है। इस तरह स्वास्तिक एक शब्द से किसी व्यक्ति या जाति खास का नहीं,
परंतु संपूर्ण विश्व के कल्याण या वासुदेव की भावना निहित है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश जी का नाम लेते हैं और हिंदू धर्म में को गणेश जी का भी प्रतीक समझा जाता है। वैसे तो किसी भी शुभ कार्य को पहले स्वास्तिक बनाकर ही थाली में रखते हैं और पूजा करते, क्योंकि ऐसा करने से में खुशियां बढ़ती हैं। स्वास्थ्य चार तरह की रेखाएं होती हैं और इनका आकार भी एक समान ही होता है। रघुवेद की आशा में स्वास्तिक को सूर्य का चिन्ह समझा गया है और उसकी चार भुजाओं को उपमा दी गई है। पौराणिक मान्यता है कि चार दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर ये चार भुजाएं इशारा करती हैं और हिंदू धर्म में इनको चार वेदों से जोड़कर भी कहा जाता है, यानी रग, यजुर्वेद, अथर्वेद और सामवेद। स्वास्तिक की चार रेखाएं सृष्टि से रचनाकार भगवान के चार सिरों को दर्शाती है और चार पुरुषार्थ यानी चार आश्रम, चार लोक, चार देवों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश की तुलना गई है। इसके मध्य में जो बिंदु है भगवान विष्णु की नाभि मानी जाती है, जिसमें से भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं और स्वस्तिक की चार रेखाएं एक घड़ी की चलती है, जो संसार की में चलने का चिन्ह है स्वास्थ्य, महत्ता। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर शुभ मंगल चिन्ह स्वास्तिक स्वरूप बनाए आप चावल और कुमकुम की सहायता से बना सकते हैं, चावल और हल्दी के घोल से बना सकते हैं, या फिर कुमकुम यानी सिंदूर और घी सिंदूर और मिलाकर के भी बना सकते हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है, इससे मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है, घर से कलह बेचैनी दूर हो जाती है, तंत्र मंत्र से भी रक्षा होती है। इसे शुभ कार्य के पहले अंकित किया जाता है, क्योंकि स्वास्तिक को मान सम्मान, सफलता और का प्रतीक समझा जाता है। स्वास्तिक हर दिशा से देखने पर एक ही सम्मान लगता है। आपने उल्टा स्वास्तिक ही देखा होगा, परंतु उल्टा स्वास्तिक के उपाय अलग होते हैं और सीधे के उपाय अलग होते हैं। यदि जीवन बहुत परेशानियां हो तो नए साल के पहले दिन तांबे या स्वस्तिक प्राण प्रतिष्ठा करवा कर घर की चौखट पर लगवा दो। इसे अलग अलग साइज के मिल जाते हैं, उसे लाकर पूजा घर में रखकर पूजा करें। इससे घर लक्ष्मी का वास हो जाता है। लक्ष्मी हासिल हेतु चांदी का स्वास्तिक नवरात्रों में भी लगाया जाता है, परंतु सबसे अच्छा है कि सिंदूर और घी या तेल मिलाकर के ये, या फिर चावल हल्दी के घोल से बना दें कि मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं। तो ज्यादा बड़ा मत बनाइए, 9 अंगुल से बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 3-4 अंगुल का बनाइए, ये उत्तम होगा। यदि आपके घर के सामने पेड़ या खंभा है तो वास्तु दोष नहीं होता, ऐसे में वास्तु दोष के प्रभाव को स्वास्तिक रोकता है। स्वास्तिक का चिन्ह देवता को प्रसन्न करने के लिए खासकर बनाया जाता है। तिथि पर आप थाली में या चौकी पर स्वास्तिक बनाकर उस पर मूर्ति करते हैं तो देवता हो जाते हैं। आप चाहे तो घर के मंदिर में इष्ट देवता के पास का चिन्ह रख सकते हैं। तो दोस्तों, स्वास्तिक के कौन कौन से उपाय घर में लाते हैं, धन हासिल ही कराते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। परंतु दोस्त, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, के मुख्य द्वार की दहलीज के दोनों तरफ स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करें। स्वास्तिक चावल की ढेरी बनाई और एक एक सुपारी रख दें, तो ऐसा करने से अपार धन की हासिली होती है, कार्यों में सफलता मिलती है। इस दिन नहाने के पानी में तुलसी का पत्ता या बेलपत्र डालकर नहाइए। ये स्नान के में जब आप बेलपत्र डाल देते हैं तो सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने, सम्मान, पुण्य, फल आपको हासिल हो जाते हैं। आप डालकर नहा सकते हैं। नए साल पर भगवान श्री जी के साथ ही महालक्ष्मी और भगवान शिवा की पूजा करें। इस दिन इनके संयुक्त पूजन से आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस दिन आप अपने घर के पूजा स्थान पर एक में कुमकुम से स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक के ऊपर थोड़े से अक्षत और एक सुपारी रख दें। इसे 21 दिन तक वहीं रहने दें। बाद में सुपारी को उठाकर की मूर्ति के पास 21 दिन तक ये बने रहने से आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। इस पर आप यह उपाय कर तो लंबे समय तक यह आपको लाभ देता रहेगा। पितरों की कृपा पाने के लिए भी स्वास्तिक काम आता है। इसके लिए स्वास्तिक का चिन्ह घर के मुख्य द्वार के गोबर से बनाना चाहिए। इससे घर की सुख शांति बनी रहती है, पितरों की कृपा बरसती है। दोस्तों,
कहा जाता नए साल के दिन। पीपल की जड़ में एक लोटे, जल में एक चुटकी, काले तिल और थोड़ी सी शक्कर डालकर जल अर्पित करें तो इससे पितृदेव की खास कृपा मिलती है और धन प्रसन्न होती है। धन, दौलत, सुख, समृद्धि, यश, मान सम्मान में वृद्धि होती चली जाती है। यदि आपकी कोई खास मनोकामना है, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप एक खास उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार लंबे समय तक हम किसी मनोकामना को लेकर चलते हैं, अनेक पैसों बाद नहीं हो पाती। ऐसे में इस दिन आप आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर मंदिर की दीवार पर सिंदूर से उल्टा स्वास्तिक बना दें। पूर्ति की प्रार्थना भगवान से करें, जरूर पूर्ण हो जाएगी। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तब जाकर वहीं पर सीधा स्वास्तिक बना दें और भगवान को धन्यवाद दें। इस दिन पर भगवान श्री हरि की पूजा करेंगे तो उन्हें 2 हल्दी की गांठें जरूर अर्पित की और बाद में की गांठ को पीले कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रख दें। आपने भी हल्दी की गांठें रखी हुई है तो उसको ही पूज करके वापस रख दे दोस्तों। इस दिन विष्णु जी की पूजा में उन्हें केसर कमल का पुष्प के लिए गेंदे का फूल अर्पित करें। जिस आप गन्ने से बजाएंगे उस थाल में भी सिंदूर से एक स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बना लें। उस स्वास्तिक के दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं भी बनाएं। फिर उस थाली को हुए प्रभु को जगाए मंगलाचार कीजिए। ये स्वास्तिक का चिन्ह आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करेगा। जीवन में खुशियों खास मंत्र का जाप जरूर करें। आप मंत्र का जाप सकते हैं या फिर विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, इसमें से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आसान लगे उसका जाप कर लें। नए साल के दिन अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए ये उपाय कर सकते हैं। आप जब जल अर्पित करेंगे तब एक लोटे में जल लेकर उसमें चुटकी हल्दी, 2-4 बूंदें दूध, थोड़ी सी मिश्री और एक चुटकी अक्षर डालकर ही अर्पित करें और शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। इस दीपक में 1 सिक्का रख दें और बाद में इस सिक्के को उठाकर संभाल के रखें। तुलसी को विष्णुप्रिया भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना तुलसी की सुनते हैं। वैसे ये सिक्का रोज के दीपक में भी आप डालकर दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से सिद्ध हो जाएगा। फिर जब भी महत्वपूर्ण काम से आप घर से बाहर, तो इस सिक्के को साथ में रखकर निकलें। आपको जरूर हासिल मिलेगी। इस दिन का उपाय जरूर ही करें। एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर, अंदर की तरफ से या फिर पास के किसी मंदिर में, 1 दीपक तुलसी के नीचे, 1 दीपक अपने घर के पूजा स्थान पर इस दिन जरूर जलाएं। पूजा के बाद आरती जरूर करें। आरती में कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर फूलों की पंखुड़ी और थोड़े अक्षत रखकर फिर दीपक जला प्रभु की आरती करें। सर्वोत्तम होगा, परंतु याद रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु को अक्षत अर्पित नहीं किए जाते। मां लक्ष्मी को यदि विष्णु जी को अर्पित करना चाहते हैं तो हल्दी से रंगाकर ही पी लें अक्षत, अर्पित करें। तो दोस्तों, विधि विधान इस दिन पूजा आराधना करें, स्वास्तिक के उपाय जरूर करें और विष्णु जी के साथ ही शिवाजी और माता लक्ष्मी की असीम कृपा पाकर को सुंदर बनाएं। दोस्तों, भगवान विष्णु की कृपा के लिए पहले दिन स्नान करते समय पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल लें। इसके बाद स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की से साधना करें। नए साल के दिन श्री हरिका से पहले गाय के दूध से और फिर शंख में गंगा जल भरकर स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। मान्यता है कि पहले दिन ऐसा करने से भगवान विष्णु का विषय आशीर्वाद हासिल होता है। पहले के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें केसर अथवा पीले चंदन या हल्दी का तिलक लगाए साथ ही साथ भगवान विष्णु के प्रिय पीले रंग के फूल और पीले फल चढ़ाए। मान्यता इस उपाय को से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होकर भक्तों को मन चाहा। आपके नजदीक भगवान विष्णु का मंदिर ना हो तो आप भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री की मूर्ति की भी पूजा करके पुण्य फल हासिल करें। ईश्वर की साधना आराधना में मंत्र जप का खास महत्व होता है। ऐसे में आज के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए ऐ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप जरूर करें। यदि तो इस मंत्र का जाप तुलसी या पीले चंदन की माला से करें। धार्मिक और मान्य के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में इस दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करें कि पूर्ति के लिए इस दिन दूध मिला हुआ जल भी पीपल में चढ़ा सकते हैं। यदि आपकी पूजा का पूरा फल हासिल करना चाहते हैं
तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में शुद्ध घी का दिया जरूर जलाएं। साथ ही भगवान विष्णु को अर्पित किए जाने वाले में तुलसी के पत्ते डाल दें। तो यह थी आज की विशेष जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और रोजाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।